सुहाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आपके लिए आज फिर से नई वैकेंसीज लेकर के। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको कुछ ना कुछ मैं नया अपडेट करता रहता हूं, सो दैट आप सबको कहीं ना कहीं प्लेस क्राफ्ट करवा सकूं, आपकी कहीं ना कहीं मैं जॉब लगवा सकूं। अगर कहीं बेरोजगारी है तो मैं रोजगार दिलाने में अपना कुछ ना कुछ एक रोल अदा कर सकूं। जितनी वैकेंसीज मेरे पास आती हैं मैं अपडेट जरूर करता हूं, और इन वैकेंसीज के लिए मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी सिर्फ आप सबके लिए ये एक सोसाइटी के लिए एक सेवा होती है कि आपको कहीं ना कहीं एक रोजगार मिल जाए। सबसे बड़ी बात, मैं आप सबको चुकन्ना भी करता हूं कि कभी भी अपने पैसे कंसल्टेंट्स के चक्कर में खराब मत किया करो। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखता हूं जो बहुत सारा पैसा अपना खराब कर देते हैं। क्या कर रखा होता है और क्या करने जा रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रखी होती है, रिसेप्शनिस्ट बने चले जा रहे होते हो, अकाउंटेंट कर बन रखे होते हो और बन क्या रहे होते हो, कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए आपसे एडवांस मांग लेते हैं और उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है। अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखा करो, थोड़ा सा चुकन्ना रखा करो, और सबसे बड़ी बात, जो बनना चाहते हो वो बनो, वो मत बनो जो दुनिया आपको बना रही है। मैं जो भी वैकेंसीज आपको बताता हूं, ये वैकेंसीज अगर आपको लगे कि ये सूटेबल है आपको कहीं ना कहीं, तो आप इन वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मेरे से कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। इन वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आपके मतलब का वीडियो है तो आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा कैसा लगा, जॉब लग गई तब भी बताइएगा कैसा था, और अगर आपके मतलब का नहीं है तो प्लीज इस वैकेंसी को आगे जरूर शेयर कर दो। आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है, आपके शेयर से किसी की जिंदगी बच सकती है, आपके शेयर से किसी के घर में रोजगार आ सकता है। तो चलिए आज की वैकेंसी शुरू करते हैं। तो आज की वैकेंसी रहेंगी जी बिलासपुर की, हिमाचल प्रदेश की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त बिलासपुर में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उन सबके लिए आज की ऑप्शंस रहेंगी। बिलासपुर में हमें एक हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कम से कम 5 साल का। टाइमिंग्स एंड सैलरी जो है वो आपको मौके पर ही बताई जाएगी। इसके अलावा एक स्कूल में हमें एक वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर चाहिए एकेडमिक्स के लिए। पीजीटी फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एंड टीजीटी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश चाहिए। सैलरी आपकी जो होगी वो एज पर सीबीएसई नॉर्म्स होगी। यहां तक कि फ्री अकोमोडेशन भी आपको मिल रही है अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमें एक कॉलेज में कुछ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी चाहिए। किन डिपार्टमेंट्स में? मैकेनिकल में, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, और मैनेजमेंट के लिए भी कुछ चाहिए। एमबीए, एमसीए, एमकॉम में चाहिए, होटल मैनेजमेंट में, एमएससी नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, इन सब डिपार्टमेंट्स में हमें कुछ प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। इसके अलावा एक ऑफिस में एक ऑफिस मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, एक रिप्यूटेड ऑफिस है ये। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों डिस्कस की जाएंगी इंटरव्यू के टाइम पर। इसके अलावा आपको एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक फॉर्म में इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट है ये, यहां पर एक केमिकल इंजीनियर चाहिए जिसने बीएससी केमिस्ट्री कर रखी हो। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों डिस्कस किए जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर। इसके अलावा हमें एक ऑफिस में मेल स्टाफ, फीमेल मेंबर दोनों चाहिए। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, डाटा एंट्री भी आपको आनी चाहिए फॉर कस्टमर सपोर्ट ऑफिस। टाइमिंग्स आपकी 9 to 6 की रहेंगी, सैलरी जो है वो आपको 12 से 15 हजार पर मंथ मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। अगर आपको लगे कि आपके मतलब की कुछ वैकेंसीज हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इज इट? थैंक यू सो मच गाइज, मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो।